अब हम लोग जानने वाले हैं टेली प्राइम में जनरल वॉचर का नेक्स्ट एंट्री के बारे में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, परचेज ए प्रिंटर फ्रॉम वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ रुपीज 10,500 ऑन क्रेडिट। मतलब वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई दुकान का नाम है जिससे हम लोग परचेज कर रहे हैं प्रिंटर, वो भी क्या ऑन क्रेडिट बेस पे, मतलब उधार, और ये हमारा क्या है, गुड्स नहीं है। तो इसका एंट्री हम लोग जनरल वॉचर में करेंगे। तो कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए, डेबिट में आपका क्या लिखा है प्रिंटर और क्रेडिट में लिखा हुआ है वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो प्रिंटर आपका फिक्स एसेट्स है और वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सन्ड्री क्रेडिटर है। तो इसका कैसे हम लोग एंट्री पास करेंगे, तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले एक लेजर तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं अल्ट सी बटन कीबोर्ड से प्रेस करूंगा और यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रिंटर। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं प्रिंटर को। प्रिंटर टाइप करने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। अंडर में आपको डालना है यहाँ पे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स डालने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। बाकी का डिटेल आप डाल सकते हैं, अभी हम लोग स्किप करते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं। उसके बाद प्रिंटर का अमाउंट कितना था, तो अमाउंट इसका 10,500 था, तो यहाँ पे हम लोग 10,500 डालेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। क्रेडिट में आपका क्या आएगा, वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको फिर से कीबोर्ड से अल्ट सी बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा चुका है। उसके बाद इंटर करेंगे। अंडर में आपका क्या जाएगा, इसको हमको पैसा देना है, अभी हम उधार खरीद के लाए हैं, तो आपका यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, और उसके बाद आपको बाकी का डिटेल आप डाल सकते हैं, कहाँ पे उसका दुकान है, क्या पिन कोड है, तो ये अभी हम लोग नहीं डालेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रिंटर आपका डेबिट है, क्रेडिट आपका वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद आपको यहाँ पे नरेशन टाइप करना है, तो आप नरेशन टाइप कर लीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे रिसेंट नरेशन टाइप किए थे, तो अभी हम यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल आर। जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, ऑटोमेटिक नरेशन लिखा चुका है। यदि आपका रिसेंट में नहीं लिखा आया था तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, बींग फिक्स एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट। मतलब जो फिक्स एसेट्स है उसको अभी हम लोग क्रेडिट बेस पे उधार खरीद रहे हैं, जिसका एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं जनरल वॉचर में। जनरल वॉचर में हर एक तरह का आप एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। तो ये एंट्री मेरा हो चुका है। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा करना है, तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या है। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है परचेज स्टाम्प मशीन ऑफ रुपीज 25,000। मतलब स्टाम्प वाला एक मशीन है, उसका प्राइस है 25,000 रुपया, और एक स्टाम्प एसेसरीज है। मतलब और हम कुछ स्टाम्प से रिलेटेड एसेसरीज खरीदे हैं, जिसका कि अमाउंट हुआ है 15,000 फ्रॉम DK इंटरप्राइजेस ऑन क्रेडिट। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका दो चीज़ है, पहला आपका स्टाम्प मशीन है, दूसरा स्टाम्प एसेसरीज है। दोनों को हम लोगों ने परचेज किया है, वो भी एक ही दुकान से, जिसका नाम है DK इंटरप्राइजेस। तो इसका हम लोग कैसे एंट्री पास करेंगे, जो कि आपका मल्टीपल एंट्री है। तो हम आ जाते हैं अपने टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पे आने के बाद सबसे पहले आपको बनाना है स्टाम्प मशीन का, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं स्टाम्प मशीन। स्टाम्प मशीन लिखने के बाद ये आपका क्या होगा, फिक्स एसेट्स। तो हम लोग यहाँ पे फिक्स एसेट्स लिखेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराएंगे, और स्टाम्प मशीन का प्राइस था 25,000 रुपया, तो यहाँ पे हम 25,000 डालेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा एक और सामान है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे ही हम 25,000 लिख के इंटर किए, यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, तो इसको हम लोग कीबोर्ड से DR कर देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे हमको दूसरा सामान ऐड करना है, जो कि मेरा है स्टाम्प एसेसरीज, तो Alt C करेंगे, और यहाँ पे हम बना लेते हैं स्टाम्प एसेसरीज के नाम से लेजर। स्टाम्प एसेसरीज लिखने के बाद ये भी आपका फिक्स एसेट्स होगा, तो आपको कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है और एक्सेप्ट करा लेना है। उसके बाद इसका प्राइस था 15,000 रुपया, 15,000 डाल देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। अब आपका क्रेडिट में क्या आएगा, DK इंटरप्राइजेस, तो इसका भी आपको लेजर बनाना है। तो आप Alt C करिए और यहाँ पे लिखिए DK इंटरप्राइजेस। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके अंडर में डालना है सन्ड्री क्रेडिटर, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑटोमेटिक क्या हो चुका है कि अमाउंट आपका आ चुका है 40,000 रुपया। उसके बाद आपको इसका भी नरेशन लिखना है, तो अभी हम जस्ट नरेशन टाइप किए थे, जो कि कंट्रोल आर से किए थे, तो अभी भी हम वही करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा नरेशन लिखा चुका है।
उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, तो ये भी जनरल वाउचर मेरा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको देखना है कि कहाँ पे इसका एंट्री हुआ है, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ जी बटन। तो आप गो टू में आ जाइएगा, आपको फर्स्ट नंबर पर दिख रहा है बैलेंस शीट, आपको इस पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स पे आके आपको इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करिएगा, यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट है यहाँ पे दिखेगा और सामान का नाम भी दिख रहा है। यदि आपको देखना है कि किसको किसको हमको पैसा देना है, तो आपको इस साइड में दिखेगा करेंट लाइबिलिटीज, इसमें आके आपको इंटर करना है। फिर से इंटर करना है तो यहाँ पे आपको दिखेगा डीके इंटरप्राइजेस को हमको इंटर पैसा देना है, उसके बाद डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड को पैसा देना है और वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पैसा देना है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग जनरल वाउचर का एंट्री को पास करेंगे। तो थैंक यू।